नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। एक लड़ाई आम लोगों की लड़ाई कब बन जाती है? शायद वो तब बन जाती होगी जब लोगों को लगे कि अब लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। इसी सोच के साथ महिला संगठनों ने आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक महिला पंचायत बुलाई थी ताकि वो महिला पहलवानों को अपना समर्थन दे चुके। इस महापंचायत में ये फैसला किया गया कि अगर केंद्र सरकार बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है तो जून 15 यानी कल के बाद महिला संगठन अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। यहाँ आए कुछ महिला नेताओं से हमने बात की है, सुनिए उन्हें। एक तरफ तो हमारे देश की जो पहलवान है उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ महिलाओं के साथ खेलों में होने वाली यौन हिंसा का सवाल खोला, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि राज्य और इसकी जो डिफरेंट एजेंसीज है, जो एंटी सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटीज़ के गठन को लेके जिम्मेवार हैं या पॉश एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए जो जिम्मेवार हैं, वो तमाम एजेंसी जो हैं वो अपनी जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं निभा रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर राजनीतिक प्रेशर है, राजनीतिक दबाव है एक तरह का। यहाँ पे कल मुझे जो यहाँ कर्मचारी, उन्होंने बताया कि कल यहाँ 4 लोग आए थे जो होम मिनिस्ट्री से थे, और यहाँ पे IB इंटेलिजेंस और पुलिस और BJP की तरफ से भी फ़ोन आए थे ये कहने को कि इस वेन्यू को कैंसिल कर दिया जाए, और पूरा काफ़ी प्रेशर बनाया गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ने कैंसिल नहीं किया है। मैं उनकी, क्योंकि हम आज देख रहे हैं आजकल जैसे GPF में एक प्रोग्राम था, उन्होंने लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हर इंसान को गारंटी देता है कि अपनी बात रख सके। तो ये पूरा प्रेशर था, और मेरे पास तकरीबन 8-9 फ़ोन आए हैं स्पेशल ब्रांच से या लोकल पुलिस से पूछने के लिए क्या हो रहा है। एक ही चीज़ बार बार पूछते, खैर वो उनका एक रूटीन है, उनको अपनी जानकारी लेनी होती है। और यहाँ पे भी जैसे आपने कहा कि पूरी छावनी बना रखी है, हर तरफ पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये अगर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस बृजभूषण सिंह के चारों तरफ लगा दी गई होती तो शायद आज ये नतीजा ना होता। जब ये जो दंगाई होते हैं उस टाइम अगर इतनी फोर्स लगा दी जाए तो शायद दंगे भी ना हो इस देश में। लेकिन एक महिला पंचायत जहाँ सिर्फ महिलाएँ हैं अपनी यौन शोषण के खिलाफ जो लड़ाई है उसके बारे में बातचीत कर रही हैं, उसके लिए इतनी फोर्स सर पे बिठा देना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि न्याय जो है वो जल्दी मिले, तुरंत मिले, क्योंकि न्याय ना देर से मिलने का मतलब है सबूतों को नष्ट करने के लिए समय देना, अपराधियों को और ज़्यादा बलवान होने का, संगठित होने का समय देना, लड़कियों का मनोबल तोड़ना और समाज को लड़कियों के खिलाफ एक तरीके से खड़ा करने का। किसी भी लड़ाई में, किसी भी संघर्ष में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, बहुत जल्दी लोग उनके ऊपर उंगली उठाते हैं कि आपसे ये गलती हो गई, आपने ये कमज़ोरी दिखा दी, आपको ये करना चाहिए था, इसलिए ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वैसा नहीं हुआ। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर करना चाहती हूँ कि न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों की आप एक तरफ ताकत देखिए और इस सरकार की दूसरी तरफ ताकत देखिए, कहीं भी संतुलन नहीं है दोनों तरह के ताकत में। तो इसलिए जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग अपने करियर को, अपने भविष्य को, अपनी जान को दांव पर लगा करके लड़ रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह से उंगली उठाना बिल्कुल नाजायज़ है। उंगली तो उठनी चाहिए सरकार के ऊपर कि ये सरकार पिछले 9 साल में इसने कहीं भी महिला के साथ न्याय करते हुए अपने आप को नहीं दिखाया है। ऐसे में जो लड़ने वाले पहलवान हैं उनको न्याय मिलने की संभावना जो है वो बहुत ही क्षीण होती जा रही है। इसकी वजह से हमने आज यहाँ पे देश के महिला संगठनों ने महिला पंचायत बुलाई थी कि सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करें हम, और जिन्होंने मतलब बृजभूषण को आज तक बचाया है, चाहे वो उसके अंदर देश का प्रधानमंत्री है या उसके अंदर जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा गठित की गई कमेटी है या दिल्ली पुलिस है जिन्होंने FIR भी दर्ज नहीं की और FIR दर्ज करते ही लड़कियों के नाम लीक किए गए, तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि देश की महिलाएं जो हैं वो ये महसूस करें कि जो कानून हमने इतना संघर्ष करके बनवाया था उस कानून का हमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है। हमें ये बात फिर से दोबारा बोलने का है कि अभी तक एक अक्यूज्ड पर्सन को
वो भी पावरफुल और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उनके साथ पूरी पार्टी जो जो सत्ते पे जो पार्टी है उस पार्टी का पूरा समर्थन, ये तमाम चीज़ें उनके पास है। तो वो इतना जो इम्यूनिटी के लेके पूरा देश में घूम रही है और उनका हर एक स्पीचेस यदि आप देखेगा तो वो जो कंप्लेनेंट्स को जो शिकायत जो किया है हमारे रसलेस ने उनके ऊपर एक एक बहुत बड़ा थ्रेट दे रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं उसको, वो इटसेल्फ इज अ क्राइम। तो हमारा प्राइमरी मांग ये है कि उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। देखिए इसमें दो तीन बातें समझने की हैं। पहली बात तो ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जो FIR दर्ज कराने में देरी हुई है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है कि आप कंप्लेन होती है उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दखल करना पड़ता है और जब मामला उस दिन फाइनल हियरिंग पर होता है तब पुलिस आकर के कहती है हम FIR दर्ज कर रहे हैं, ये देरी। जहाँ तक प्रोसेस की बात है जो आप कह रहे हैं कि भाई उनको ये कहा गया है कि भाई आप वीडियो ऑडियो वगैरह वो करवाएं, देखिए वो एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है, वो दोनों से मांगा जाता है कि भाई ठीक है आपके पास जो जो चीज़ें हैं वो दीजिए ये दीजिए। हम समझते हैं कि इसमें हमें प्रोसेस से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप ठीक है प्रोसेस फॉलो कीजिए, हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो आपका एटीट्यूड है, हमें उस एटीट्यूड से दिक्कत है। आपको मालूम है वो 14 साल की लड़की थी रुचिका और वो DGP थे हरियाणा के जिन्होंने उनके साथ में उनका यौन उत्पीड़न किया था, उस लड़की का टेनिस की खिलाड़ी थी वो लड़की, और पहला काम ये हुआ कि उसको जो है उसके स्कूल से निकाल दिया गया, यानी अपराधी को कोई सज़ा नहीं मिली, केस दर्ज करने के लिए इतनी मुश्किलें उठानी पड़ी और जो विक्टिम है जो कि नाबालिग है उस लड़की को जो है सज़ा मिलनी शुरू हो गई। तो होता ये है कि अगर अपराधी को हम देर करते हैं अपराधी को पकड़ने में तो निश्चित रूप से जो उत्पीड़ित है उसके ऊपर अत्याचार जो है वो दुगना चौगना हो जाता है उस दौर के अंदर। ये हमने उन्नाव रेप केस में देखा, ये हमने हाथरस केस के अंदर देखा, ये हम जो है पिछले वर्षों से खासतौर से 14 के बाद से इसको हम लगातार बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। रुचिका गिरोत्रा का जो आंदोलन था उसमें हमने नारा दिया था कि हम सब रुचिका, हम सब रुचिका। जब भी राठौड़ की तारीख होती थी तो हम वहाँ पे महिला जनवादी महिला समिति के लोग और दूसरे प्रगतिशील लोग वहाँ पे जाते थे तारीख पे और ये नारे लगाते थे, और ये नारे लगाते ही जो राठौड़ है वो डर के बोलता था कि मैं तारीख पे नहीं आ सकता, मैं तारीख पे नहीं आ सकता। तो इस तरह से हम अपने आंदोलन का स्वरूप बदलेंगे समय के हिसाब से, परंतु यस उतनी लंबी लड़ाई की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आज की पंचायत का ये संकल्प है कि हम वो लड़ाई भी लड़ेंगे। और ये जो कोशिशें की जा रही हैं कि यौन हिंसा विरोधी कानून को साधु संतों और ब्रजभूषण के शोधों को इकट्ठा करके उसको बदलवाने के लिए आवाज़ें जो उठवाई जा रही हैं, इन सब को जो है हम निष्फल करेंगे। बल्कि ये जो यौन हिंसा विरोधी कानून है आज जो देख रहे हैं कि उसको लागू नहीं किया जा रहा है तो इसका और मजबूतीकरण भी करवाएंगे। जितने भी मुकदमे हुए सेंगर से लेकर के, वो उनका MLA था, आखिर में सुप्रीम कोर्ट को वो केस दिल्ली लाना पड़ा कि यूपी में न्याय नहीं हो सकता है और यहाँ पर उसको सजा दी। फिर आपने देखा कि 15 अगस्त को पिछले साल प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि अब महिलाओं का अपमान नहीं होगा, लेकिन उसी दिन जो 11 सजा याफ्ता थे बिल्किस बानो केस में, जो सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोपी नहीं दोषी पाए गए थे, उनको बिल्कुल छोड़ दिया गया, उनका स्वागत किया गया और कहा गया कि ये संस्कारी ब्राह्मण हैं, उनको मिठाई खिलाई गई। ये जो पूरा गोदी मीडिया की तरफ से पिछले 5-6 दिन से लगातार जिस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है वो इस जो न्याय की लड़ाई है उसको बहुत धक्कादायक है। उसके लिए तमाम तरह की झूठ अफवाह जो है वो फैलाई जा रही है कि अब तो पॉक्सो का तो कोई आधार ही नहीं बनता है और अभी तो जो है साथ में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो जाएगी। तो इस तरह से लिख लिख के वो जो है माहौल बना रहे हैं देश के अंदर ताकि जो लड़ने वाले हैं वो लड़ने वाले ये सोच के कि कोई भी असर नहीं हो रहा है और इन्हीं की चलनी है वो वापस हट जाए। लेकिन हम साथ साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो ऐसे भी
न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, यूट्यूबर हैं, छोटा सोशल मीडिया है, कि उसके माध्यम से अपनी जो बात है वो पहुंचाई जाए और हमारा जो नैरेटिव है कि पहले जो संदीप सिंह को सरकार बचाना चाह रही थी, चाहे कुछ भी हो, उसको जो है मिनिस्टर से तो हटाना पड़ा हमारे आंदोलन के बाद। इसी तरह से डीजीपी राठौर को भी गिरफ्तार करना पड़ा था और अब इसी तरह से ब्रजभूषण शरण जो है इसके खिलाफ एक नहीं 6 लड़कियों ने और भी शिकायत दर्ज करवा रखी है। तो हमारे आवाज़ उठाने से, हमारे संघर्ष से, हमारे आंदोलन से जो है इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित होगी। और जो न्याय में जब देरी होती है, आपको पता है, मैं आपको ये एक उदाहरण की तरह कह रही हूँ कि 14 साल की लड़की रुचिका, उसके खिलाफ राजपूत सभा ने जो है उसके घर के आगे धरना दिया कि वो लड़की चरित्रहीन है। जो उस समय के जो पुलिस यूनियन थी उसने उस लड़की के खिलाफ जो है वो सारे बयान दिए और काम किया। और उस समय उसके जो पिता थे उन पर, भाई पर भयंकर मुकदमे बना दिए गए और उनको हिरासत में ले लिया गया। यानी विक्टिम का, उत्पीड़ित का सपोर्ट सिस्टम खत्म करना और उत्पीड़क को पुनः संगठित होने का और अपने सपोर्ट सिस्टम को बहुत एग्रेसिवली इस्तेमाल करने का समय देना, देर से न्याय का मतलब ये है। ये सिर्फ कोई सिर्फ खिलाड़ियों की महिला के साथ यौन शोषण हो रही है उसके साथ का ये नहीं हो रही, इसमें इससे भी ऊपर कि जो इम्प्यूनिटी जो अक्यूज को मिल रही है इसके बारे में हम चर्चा करना चाहती हूँ, और जो पॉलिटिकल पैटर्नेज मिल रही है उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ, और जो जो कानून है हमारे देश का, चाहे वो पोश एक्ट हो और पॉक्सो एक्ट हो, ये तमाम ऐसा कानून है, खास करके ये दो कानून के बारे में हम चर्चा आज कर रहे हैं कि ये कानून महिला, बहुत सारी महिला अपने जान बच्चे अपने जान कुर्बानी किया है ऐसा क्राइम का विक्टिम्स होने के नाते, वो उनका जान दे दिया है, उसी प्रकार एक कानून सारा हमारी संसद ने पास किया है, तो उस कानून को वायलेट करके उसका कोई मायना नहीं होती है, उसका कोई कोई रेस्पेक्ट नहीं होती है, वो उल्लंघन करने के लिए भी पुलिस का कोई शर्म भी नहीं होती है, तो इसके बारे में हमें चर्चा करना है, वो कानून कैसे उल्लंघन होती है। हम ये कह रहे हैं कि पॉक्सो का मामला एक जब साधारण आरोपी के ऊपर लगता है तो सबसे पहले आप उसको आरोपी को गिरफ्तार करते हैं, और हमें पता है कि निचली अदालतों में जिन धाराओं के तहत इन आरोपी के ये जो ब्रजभूषण हैं इनके ऊपर जो मामला लगा हुआ है, वही अगर एक साधारण आरोपी के ऊपर लगा हुआ आता है तो भी पहले उसको गिरफ्तार किया जाता है, और उसका मकसद यही होता है कि किसी तरह की गवाहों से दस्तावेजों से छेड़छाड़ ना की जा सके। उसका जिस तरह से हनन इस पूरे मामले में किया गया है और खुलेआम जिस तरीके से उनको छूट दी गई है, ब्रजभूषण को जिस तरीके से उनकी वीडियोज आई है, जिस तरीके से उनको एकदम से खुली छूट दे दी गई है कि वो जो मर्जी शिकायतकर्ताओं के बारे में बोले, कुछ भी बात करते रहे, और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करने की उनको कोई जहमत नहीं उठाई है, और एक तरीके से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की जो कोशिश की गई है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इनके पास बहुत पैसा है, बहुत साधन है इनके पास, तो ये किसी को भी खरीद सकते हैं, सरकार और ब्रजभूषण जो है। हम तो कहते हैं कि भाई एक परिवार को तोड़ना, एक परिवार को खरीदना क्या, ब्रजभूषण शरण का जितना बड़ा दाव जो लगा हुआ है, जिस तरह की चुनौती उसके सामने है, वो तो पूरे गांव के गांव खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पीठ के ऊपर हाथ है प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का, क्योंकि उसने ये कहा था कि जिस दिन गृह मंत्री कह देगा मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा, जिस दिन प्रधानमंत्री कहेगा मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। इसका मतलब उन्होंने उसको बिल्कुल भी जो WFI के अध्यक्ष से नहीं हटाया, और WFI के अंदर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं बनी हुई थी, और इसी आधार पे ही उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, उस WFI को डिसबैंड भी किया जा सकता था और ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार भी किया जा सकता था। और इसी तरह से लार्जर लेवल पे देखें तो ये केवल इन्हीं लड़कियों के लिए न्याय की बात नहीं है, बल्कि खेल जगत में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो पुट इन प्लेस नहीं है, तो पूरे देश के अंदर ये तो एक जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो सामने आ रहा है।
अब ये मामला है पहलवानों का, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितने ख्याति प्राप्त हैं, उन्होंने क्या क्या किया है देश का नाम कमाने के लिए। आज उनको सड़क पर बैठना पड़ रहा है न्याय के लिए। एक पॉक्सो केस के मामले में भी सरकार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है, उसको पूरी छूट दे दी गई कि जिस तरह का भी दबाव बनाना चाहे उस बच्चे के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर वो बनाए। बयान बदले गए हैं, नहीं बदले गए हैं, तरह तरह की बातें आ रही हैं और पूरी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को न्याय से वंचित रखा जाए, क्योंकि जो आरोपी है वो उत्तर प्रदेश का सांसद है, भाजपा का सांसद है, बाहुबली है और वो खुद अपने बारे में कहता है कि 4-5 ज़िलों का इलेक्शन वही तय करता है। तो हो सकता है आगे आने वाले चुनाव के डर से सरकार उसको छूना नहीं चाहती, लेकिन मैं तो ये नहीं मानती हूँ। मैं तो ये मानती हूँ कि ये सरकार अपना धर्म समझती है बलात्कारियों को बचाना, अपराधियों को बचाना और महिलाओं को न्याय से वंचित रखना, इसलिए ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। वो दिल्ली पुलिस को हम और क्या, उनका इस केस को लेके, इसका इन्वेस्टिगेशन को लेके वो कितना नॉन सीरियस है और वो दिखा रहे कि जो FIR फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का आदेश होना पड़ा तभी जाके इसका FIR फाइल हो गया है। तो इसके बाद भी इतना दिन हो रही है, जो अक्यूज पर्सन थ्रेटन करके, इंटिमिडेट करके, जो कंप्लेनेंट्स को इंटिमिडेट करके पूरा देश में घूम रही है और उसको माला पहना कर रिसीव कर रही है लोग। तो ये तमाम चीज़ को लेके जल्दी से जल्दी ये होना चाहिए, तो जो इस अक्यूज को वो पॉक्सो केस का जो अक्यूज है उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए था, वो नहीं कर रही है और धीरे धीरे इसका सारा इंक्वायरी वगैरह चल रही है, अभी तक कोई चार्जशीट नहीं हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें हमें बातें करने, तो वो दिखा रही है। ये जो दो तरह का कानून देश के अंदर चल रहा है ना, हमारी एक प्रगतिशील महिला संगठन के नाते और देश के तमाम महिला संगठन और कानून पसंद नागरिक जितने भी हैं, जो हमारे देश में कानून के राज की सर्वोच्चता, कानून की नजरों में सब बराबर है, इसका किस तरह के तरीके से उल्लंघन इस पूरे मामले में किया गया है ना, उससे हम सब बिल्कुल समझ रहे हैं कि जो केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस है उसकी नजरों में कानून दो तरह से काम करता है। और क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन और केंद्र सरकार आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर, तो उनका वो नारा कितना खोखला था वो एक्चुअली इस पूरे केस ने एक बार फिर से साबित कर दिया। जल्दी से जल्दी इसका जो टाइम बाउंड इसका इंक्वायरी होना चाहिए, सारा लीगल प्रोसेस होना चाहिए और उससे वो लीगल प्रोसेस को यदि ट्रूथफुली चलाना है तो फिर ये अक्यूज को अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ही इज़ इन्फ्लुएंसिंग द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सो एंड ही इज़ इंटिमिडेटिंग द कंप्लेनेंट्स। सो ऐसा एक हालात में उसको अरेस्ट करना न्याय प्रक्रिया की सही दिशा में चलने के लिए भी बहुत जरूरी है।